देश में जिस तरीके से बाढ़ की आपदाएं पिछले करीबन करीबन एक महीने से पूरे प्रदेश के अंदर चली हुई है, पहले जिला कुल्लू में, मंडी में इसका प्रकोप शुरू हुआ देखने को मिला और दूसरे चरण में सिरमौर जिला में, शिमला जिला में बहुत नुकसान इसका हुआ। हमारे सड़कें बह गई, हमारी ब्रिजेस बह गए, हमारे बागवानों के जो है वो फसल बह गई, उनके खेत बह गए, बगीचे बह गए। ये बहुत दुखद है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है मगर उसके बावजूद सरकार के खजाने को पूरे तरीके से खोल दिया गया है। पिछले कल ही अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग को दिए हैं ताकि प्रदेश में हम पुनर्निवास के इसके रिहैबिलिटेशन के कार्यों को पूरी मजबूती से करें। और जैसा मैंने कहा कि करीबन करीबन 5000 करोड़ से 10000 करोड़ के बीच में नुकसान का पैमाना प्रदेश के अंदर है। प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि हिमाचल को पूर्ण तरीके से योगदान दे, समर्थन दे और इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल का सहयोग करे। कुछ पैसा आया भी है मगर जितना आना चाहिए उसमें अभी कमी है। उसके लिए हम और निवेदन करेंगे कि पूरा सहयोग दिया जाए। बहुत से लोगों की जानें चली गई, ये भी हमारे लिए बहुत दुखद है। पिछले कल ही शिमला के अंदर एक बहुत दुखद घटना घटी है जिसमें एक मंदिर में करीबन करीबन 10 से 15 लोगों की लापता होने की, कुछ उसमें से मृत घोषित कर दिए गए हैं, कुछ लाशें निकली हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। ऐसे बहुत सी घटनाएं प्रदेश के कोने कोने में हमको देखने को मिल रही है और मिलकर हम इस आपदा से हिमाचल प्रदेश की जनता को बाहर निकालेंगे। इसका मैं विश्वास जो है वो प्रदेश की और खास करके आज सिरमौर की जनता को जो है वो देना चाहता हूँ। मैं केवल जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा होगा कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से दिल्ली जाए और दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले और हिमाचल के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग लाए। राजनीति करने का समय, एक दूसरे के ऊपर चिट्टाकशी करने का समय बाद में भी मिल सकता है मगर ये समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों को मिलकर, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई है, हम सबको मिलकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना है। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के साथ खड़ा होना है और वापस हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए जो है मिलकर जो है उसमें अपना योगदान देना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।